वेलकम टू माई क्लास स्टूडेंट्स. वी आर डूइंग सेंटेंस एंड नाउ इट्स अ कन्वर्जन. कैसे हम सेंटेंस को सिंपल को कंपाउंड में या सिंपल को कॉम्प्लेक्स में या कॉम्प्लेक्स को सिंपल में हम जो बदलते हैं, ये कन्वर्जन है. और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आपके जो एग्जाम में ये आएगा और आपको इसमें बहुत ध्यान देना है. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस. सेंटेंस कहते किसे? सेंटेंस इज अ सेट ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. तो आप देख रहे हो सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, राइट. इट कंसिस्ट ऑफ अ मेन क्लॉज. ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस होता है, मेन क्लॉज होता है. एंड समटाइम्स वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज. और कभी कभी इसमें वन और टू सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं, डिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं. देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. फर्स्ट इज अ सिंपल सेंटेंस. इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन क्लॉज, राइट. एक ही इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, एक ही फुल मीनिंग का थॉट होगा. द टीचर पनिश द बॉय फॉर दिस ओबीडियंस. तो टीचर ने क्यों पनिश किया? क्योंकि बच्चों ने उनका कहना नहीं माना, तो दिस ओबीडियंस. ये सिंपल है, एक ही थॉट है, कंप्लीट है. ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और वर्ब के बाद जो है वो प्रेडिकेट है. अ कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज. जैसे आपको पता है कंजंक्शन से वो जुड़ता है. द बिल्डिंग वाज डिस्ट्रॉयड बाय द अर्थक्वेक बट द फैमिली वाज सेव्ड. तो दो क्लॉजेस हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, उनको बट से हमने जोड़ा है. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज. तो इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ साथ, जो उसके बारे में एडेड इन्फॉर्मेशन देते हैं और बहुत सारी जानकारियां हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में देते हैं. ही कन्फेस दैट ही वॉज गिल्टी. तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया. ही कन्फेस वॉट दैट ही वॉज गिल्टी. तो इस तरह से आप देख रहे हो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. नाउ कन्वर्जन जब हम करते हैं, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है टू वर्ब्स एंड अ कनेक्टिंग, राइट. आप देखोगे क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है एंड मेन क्लॉज होता है, तो दो वर्ब होता है, कनेक्टिव होता है. लेकिन सिंपल सेंटेंस में एक ही वर्ब होता है. देयरफॉर वन वर्ब एंड कनेक्टिव विल हैव टू रिमूवल. अगर आपको सिंपल बनाना है कॉम्प्लेक्स है, तो एक वर्ब और एक कनेक्टिव आपको हटाना पड़ेगा. टू रिमूव द वर्ब कन्वर्ट इट इंटू एन इनफाइनाइट पार्टिसिपल या जेरेंड. तो हम लोग वर्ब कैसे हटा सकते हैं? या तो उसको पार्टिसिपल में डालिए, या फिर उसको जेरंड बनाइए, या इन्फिनिटिव. इन्फिनिटिव टू लगा के पार्टिसिपल, आपको पता है प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल होता है, और जेरंड वर्ब प्लस आईएनजी जो एज ए नाउन काम करता है. तो ये सारे जो हैं आप जो हमारे अर्लियर क्लासेस उसमें सब हमने एक्सप्लेन भी किया है. यूजुअली रिमूव वर्ब ऑन कनेक्टिव साइड और फ्रॉम डुअल क्लॉज. तो जो डुअल क्लॉजेज हैं जहां पर काम हो रहा है, वहां से हम क्या करते हैं, वर्ब या कनेक्टिव को हटा देते हैं. नाउ रूल्स देख लो. बाय रिड्यूसिंग ए नाउन क्लॉज इनटू अ फ्रेज. जो नाउन का पूरा क्लॉज है, राइट, उसको फ्रेज में बदल लो. जैसे अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ सिंपल सेंटेंस बाय रिड्यूसिंग ए नाउन क्लॉज इनटू अ नाउन फ्रेज. आई नो दैट ही इज एन ऑनेस्ट गाय. I know him to be an honest guy. तो I know that he is an honest guy. तो I know him to be an honest guy. हमने infinitive लगा दिया. By reducing an adjective clause, complex, those that are helpless deserve our pity. तो simple क्या होगा? The helpless deserve our pity. Right? Now, complex, we saw trees that were laden with fruits. तो क्या होगा सिंपल? वी सॉ ट्रीज लेडन विद फ्रूट्स. तो दैट वर्ड लेडन विद फ्रूट्स हमने क्या किया, उसको रिमूव किया, एडजेक्टिव क्लॉज को फ्रेज में बदल दिया. बाय रिड्यूसिंग एन एडवर्ब क्लॉज इनटू अ फ्रेज. अब रिड्यूसिंग क्लॉज का आप कैसे फ्रेज में डालोगे? दे टुक शेल्टर अंडर ए ट्री बिकॉज दे वर ड्रिवन बाय द रेन. तो उन्होंने क्या किया, एडवर्ब क्लॉज को हमने फ्रेज में हम कैसे बदलेंगे? ड्रिवन बाय द रेन कॉमा दे टुक शेल्टर अंडर ए ट्री. बिकॉज दे वर ड्रिवन बाय, तो हमने ड्रिवन बाय द रेन को पहले लिया, कॉमा लगाया, दे टुक शेल्टर अंडर ए ट्री. सिंपल बन गया.
नाउ अब फर्स्ट फ्लाइट से हम एक एक्सरसाइज देख लेते हैं. यू नो दैट वी कैन कंबाइन सेंटेंसेज यूजिंग वर्ड्स लाइक एंड ऑल बट येट एंड देन. आपको पता है हम क्या करते हैं जब कंपाउंड सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम इन कंजंक्शंस के थ्रू हम दो मेन क्लॉजेस को जोड़ते हैं. बट समटाइम्स नो सच वर्ड सीम्स अप्रोप्रिएट. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें ये पूरा नहीं पड़ता. इन सच केसेस वी कैन यूज अ सेमीकोलन और अ डैश टू कंबाइन टू क्लॉजेस. तो उस समय हम क्या करते हैं सेमीकोलन और डैश को हम यूज करते हैं. पंक्चुएशन मार्क्स को हम यूज करते हैं. अब यहां देखो एग्जाम्पल है. शी हैज नो इंटरेस्ट इन म्यूजिक सेमीकोलन. आई डाउट शी विल बिकम अ सिंगर लाइक हर मदर. ऐसा लगता है माँ की तरह वो सिंगर बनेगी. तो शी हैज नो इंटरेस्ट इन म्यूजिक यहां पर एक पंक्चुएशन मार्क्स है. तो द सेकेंड क्लॉज हियर गिव्स द स्पीकर्स ओपिनियन ऑन द फर्स्ट क्लॉज. जो आई डाउट शी विल बिकम अ सिंगर लाइक हर मदर. तो यहां पर ये ओपिनियन है पर्सन का. मेन क्लॉज क्या है शी हैज नो इंटरेस्ट इन म्यूजिक. हियर इज अ सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट दैट यूजेस सेमी कोलन टू कंबाइन क्लॉजेस. तो सेमी कोलन से हमने दो क्लॉज शी विल बिकम अ सिंगर लाइक हर मदर और शी हैज नो इंटरेस्ट इन म्यूजिक दो क्लॉजेस हैं उनको हमने सेमी कोलन से जोड़ा है. ब्रेक अप द सेंटेंस इंटू थ्री सिंपल सेंटेंस. तो यहां पर आपने देखा ये सेंटेंस खत्म हो गया. अब नेक्स्ट एक है जिसमें सेमी कोलन डैश से जोड़ा गया है और उसको हमें तीन सिंपल सेंटेंसेस में बदलना है. कैसे? कैन यू देन से विच हैज अ बेटर रिदम वेन यू रीड इट द सिंगल सेंटेंस यूजिंग सेमी कोलन और द थ्री सिंपल सेंटेंसेस. तो हमसे पूछा जा रहा है कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है. वो तीन सिंपल सेंटेंसेस अच्छे लग रहे हैं या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो कि पंक्चुएशन मार्क से जुड़ा हुआ है वो अच्छा लग रहा है. फॉर देयर इज नॉट एनी मींस यहाँ पर देखो वो है आपका ये एक्टिविटी है आपकी. फॉर देयर इज नॉट एनी मींस बाय विच दोज हु हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग. तो किसी भी तरह से आप नहीं बच सकते मृत्यु से. जो जन्मा है उसे उसको मरना ही है. आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज दे इज डेथ. ओल्ड एज जब आपकी आ जाएगी देन दे इज डेथ. मृत्यु है. ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स. हम लिविंग बींग्स का यही एक व्यवहार है यही एक नेचर है. तो आपने देखा ये तीनों को हमने सेमी कोलन से जोड़ रखा है. Right? For there is not any means by which those who have been born can avoid dying. After reaching old age, there is death. Of such nature are living beings. अब इसको हमें क्या करना सिंगल सेंटेंस बनाना है. तो द सिंगल सेंटेंस यूजिंग सेमी कोलन हैज अ बेटर रिदम. दिस इज बिकॉज द थ्री पार्ट ऑफ सेंटेंसेज कनेक्टेड टू ईच अदर इन देयर मीनिंग्स. तो हम सेमी कोलन से हमने तीन सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ दिया. द सेकेंड क्लॉज गिव्स फर्दर इन्फॉर्मेशन ऑन द फर्स्ट क्लॉज. और जो जब सेकेंड क्लॉज है उसको हमने देखा वो फर्स्ट क्लॉज का वो एडेड इन्फॉर्मेशन है. तो जो जीवित है उनको मरना ही है और ओल्ड एज में डेथ आती है. द थर्ड क्लॉज इज डिरेक्टली रिलेटेड टू बोथ द फर्स्ट एंड द सेकेंड. तो दिस इज द नेचर ऑफ द लिविंग बींग्स. तो ये दोनों को ये रिलेट कर रहे हैं. द मीनिंग्स आर बेटर कन्वेड व्हेन दे आर जॉइन बाय सेमीकोलंस. तो हमने क्या देखा कि वो जो सेंटेंस है जो तीन सिंपल सेंटेंसेस को हम जब सेमी कोलन से जोड़ते हैं तो उसकी मीनिंग बहुत ज्यादा उभर कर आती है. सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे. यू हैव लर्न कि कैसे सेंटेंसेस को हम चेंज करते हैं. हमने यहां पर कॉम्प्लेक्स से सिंपल सिंपल से कॉम्प्लेक्स के आपको रूल्स बताए. इसी तरह से कंपाउंड से सिंपल और इसी तरह से जो सेंटेंस है डिक्लेरेटिव को आप इंट्रोगेटिव बना रहे हो इंट्रोगेटिव से डिक्लेरेटिव कर रहे हो पॉजिटिव को नेगेटिव कर रहे हो नेगेटिव को पॉजिटिव कर रहे हो एक्सक्लामेटरी को आप कैसे डिक्लेरेटिव में कर रहे हो. तो सारे के सारे सेंटेंस को हम चेंज कर सकते हैं. और वो जो चेंज है वो रूल्स के अनुसार है. यू दैट ग्रामेटिकल रूल्स यू विल हैव टू फॉलो.
तो अभी हमने सिर्फ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स का बताया है. प्लीज यू गो थ्रू योर बुक्स एंड मेनी सेंटेंसेस यू विल फाइंड दैट कैन बी चेंज्ड इनटू अनदर सेंटेंस. डू दैट, ट्राई दैट एंड होप इन द यू विल बी एक्सपर्ट इन डूइंग दैट. क्योंकि आप जब लिखोगे आंसर, जब आप लॉन्ग आंसर लिखोगे, आपने देखा आपके आपके 100 to 150 वर्ड्स में आपको आंसर्स लिखने रहेंगे, तो ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अगर आप बनाना सीख गए तो आपको इसमें बहुत सुविधा होगी, क्योंकि आपके थॉट्स भी पूरे हो जाएंगे और आपका वर्ड लिमिट भी उतना ही रहेगा जितना कि पूछा गया है. सो प्लीज ट्राई इट अगेन एंड अगेन एंड बी गुड इन दिस. द नेक्स्ट क्लास आई शैल बी विद अ न्यू टॉपिक. टिल देन गुड बाय. थैंक यू.